हेलो, वेलकम यू गाइस फॉर द जीके बीट मैथमेटिक्स क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स, ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कार्टिसियन प्रोडक्ट्स, कि किसी भी सेट्स का हम लोग कार्टिसियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और ये कार्टिसियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बार हम लोगों ने देखा है कार्टिसियन प्रोडक्ट, बट इसमें हम जानेंगे कार्टिसियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो सबसे पहला होता है कार्टिसियन प्रोडक्ट, किसको बोलते हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए। ए हम लोग का क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है। ए क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है। और यहाँ बी हम लोग का क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट। बी क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट। सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड द कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, ए क्रॉस बी करने का क्या मतलब है कि इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में दिखाएंगे, ठीक है। और पहला सेट किसका रहेगा, सेट ए से, और दूसरा क्या रहेगा, सेट बी से। सपोज दैट कहीं पे हम लोग को ए इक्वल टू हम ऐसा ले लें 1 2, ठीक है फ्रेंड्स, और सेट बी इक्वल टू हम लोग क्या ले लें 3 4। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, दैट मीन्स कार्टिसियन प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे, सबसे जो यहाँ ए बी के फॉर्म होता है, तो ए किसका एलिमेंट होता है, सेट ए का, तो 1 लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये 1 आएगा और फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, 1 के साथ 3 और 4 को क्रॉस कर दिया, अब हमको किसके साथ करना है, 2 के साथ, तो 2 और क्या हो जाएगा, 3, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 और 4। दैट मीन्स कि जितना भी सेट लेना, पहले सेट ए का एलिमेंट रखेंगे, फिर किसका रखेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले क्या था, सेट ए का, फिर बाद वाला सारा एलिमेंट क्या है, सेट बी का, किसका है, सेट बी का। इसको हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालें तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अब सेट बी का एलिमेंट होगा, तो क्या होगा, 3 1 एंड 3 2। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, 4 के साथ जब करेंगे तो 4 1 एंड 4 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हम लोग का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी इसको कैसे दिखाएंगे, ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए एंड बी, फिर ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ये किस फॉर्म में रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर में, पहला सेट ए का एलिमेंट रहेगा, दूसरा सेट बी का एलिमेंट। इफ फाई ए और बी दोनों हम लोग का एम्प्टी सेट हो जाएगा, देन ए क्रॉस बी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एम्प्टी। अगर ए में कोई सेट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, बी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए इक्वल टू क्या ले लिए, ए बी सी, और सेट बी इक्वल टू क्या ले लिए, पी और क्यू। तो अब हमको इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो पहले ए रखेंगे, फिर पी, फिर ए के साथ क्या हो जाएगा, क्यू, दैट मीन्स ए और पी, फिर ए और क्यू। अब ए के साथ सारा प्रोडक्ट हो गया, अब हम किसके साथ करेंगे, बी के साथ, तो बी के साथ पी और बी के साथ क्यू, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अब बी का भी सारा हो गया, अगेन हम लोग फिर किसके साथ करेंगे, सी के साथ, तो सी के साथ पी और सी के साथ क्यू, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का ए क्रॉस बी हो जाए, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए का एलिमेंट पहले होगा और बी का एलिमेंट बाद में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बी क्रॉस ए क्या होता है, बी क्रॉस ए, अगर हमको बी क्रॉस ए चेक करना है तब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, पहले बी का सेट एलिमेंट होगा और फिर बाद में ए का होगा। तो बी का पहला एलिमेंट क्या है, पी है, तो पी के साथ ए बी सी तीनों आएंगे। देखिए पी के साथ ए आया, बी आया, और फिर क्या आया, सी आया, दैट मीन्स पी का ये सारा क्रॉस हो गया। अब जो दूसरा एलिमेंट क्यू है, क्यू के साथ भी हम लोग ए बी सी को करेंगे, तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, दैट मीन्स इसी ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, चाहे वो कोई भी सेट दिया रहे। तब कुछ हम इंपॉर्टेंट रूल्स या थियोरम्स के बारे में देखेंगे ऑन कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। अगर कहीं कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हैं तो उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट थियोरम्स होते हैं। तो सबसे पहले कि फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालते हैं। ए क्रॉस हम लोग क्या निकालते हैं, बी यूनियन सी। तो ये हम लोग का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हम लोग कर सकते हैं। अगेन अगर हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करें तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का थ्योरम 2 देखते हैं, फॉर एनी सेट्स ए बी सी क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस सी है, तो फिर से वही हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव। थ्योरम 3 में क्या देखते हैं कि अगर ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ए क्रॉस बी में ए बी का एलिमेंट रहेगा और बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, बी ए का एलिमेंट। अगर ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन्स हम लोग का ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के। दैट मीन्स क्या होगा कि हम लोग का सेट ए और सेट बी क्या होना चाहिए, इक्वल। हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, बी और किसके बराबर हो जाएगा, ए के। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स ये ए और बी इक्वल होगा तभी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए इज द एलिमेंट सबसेट ऑफ बी, ये क्या क्या मतलब हो गया, ए इज द सबसेट, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए क्रॉस ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। दैट मीन्स ए क्रॉस ए क्या होगा, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ए इज, नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी तो हम लोग दोनों साइड क्रॉस कर लेंगे, क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग करेंगे तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी के साथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं किसी भी तीसरा सेट अगर सी आएगा तो। नेक्स्ट हम लोग का क्या देखते हैं कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी देन ए क्रॉस सी, हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस सी करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, B क्रॉस D इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एनी सेट अगर चार कोई सेट दिया हो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, A इंटरसेक्शन C अक्रॉस B इंटरसेक्शन D। ठीक है फ्रेंड्स, B इंटरसेक्शन D और C A इंटरसेक्शन C, बीच में हम लोग क्या लाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई तीन सेट ए बी सी दिया हो, दैट मीन्स अगर A क्रॉस B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स हम लोग सिंपल A क्रॉस B करेंगे, क्या करेंगे, A क्रॉस B और फिर A क्रॉस C और उसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का फिर अगर इंटरसेक्शन, अगर ऐसा पूछे, मतलब ये जो हम लोग का है वही हम लोग का फिर से यहाँ है, तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दैट मीन्स क्या होगा कि ये और ये, यहाँ से ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि एल एच एस हम लोग का दोनों जगह सेम है, दैट मीन्स आर एच एस भी हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी सेम आया और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सेम आया, दैट मीन्स ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि अगर ए और बी कोई टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हैविंग एन एलिमेंट इन कॉमन, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। सपोज दैट, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर सेट ए में हम लोग जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स, सेट बी में हम क्या ले लिए, 3 4 5 6। तो यहाँ देखते हैं कि ए और बी में कितना एलिमेंट कॉमन है, 3 और 4 3 और 4, मतलब कॉमन एलिमेंट कितना हो गया, 2। दैट मीन्स अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें और B क्रॉस A निकालना है तो ये दोनों में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कहने का यही मतलब है कि अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।